अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, मैं अपने YouTube चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज भी मैं यहाँ होपर वैली में मौजूद हूँ। दो हफ्ते के अंदर ये मेरा दूसरा टूर है होपर वैली का। हमारे एक दोस्त है इस्माइल भाई, वो गाड़ी लेके आएंगे गिलगित से और उन्हीं के साथ आज हम जाएंगे हिस्पर वैली। This is the morning time here at Hopper Valley. As usual, it's amazing. और सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे दिखती है यहाँ पर वैली की मॉर्निंग टाइम में, दैट्स द पीक। ये अल्टर पीक, दैट्स वेरी ब्यूटिफुल। कैमरा लेके मैं बात कर रहा था याज हुसैन साहब, ऊपर से उन्होंने मुझे आवाज़ दी और उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने चैनल का लिंक दें। जैसा आप देखिए हमारे वीडियो, इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के बारे में। मैंने मुझे चाहिए भी, और स्पेशली मैंने इसीलिए आपसे रब्ता किया कि मैंने देखा कि आप वीडियो बना रहे थे। जी जी जी। मैंने कहा भाई से रब्ता कर लूँ और इनसे लिंक ले लूँ अपने चैनल का। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। थैंक यू। यहाँ कैपल इन होटल में नाश्ता करने का मेरा प्लान था, लेकिन नाश्ते का सीन कैंसिल किया। वहाँ मैं बाज़ार जाता हूँ और वहाँ नाश्ता करके मैं इंतज़ार करूँगा, इस्माइल भाई आएंगे और साथ हम निकलेंगे हिस्पर वैली की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इस्माइल भाई कैसे हैं? अब ठीक है, खैरियत से। अभी पहुँचे इस्माइल भाई यहाँ पर, तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे। कौन सी गाड़ी है? ये वाली गाड़ी है। हिस्पर वैली का रोड बहुत ख़राब है, उस पर कारें और दूसरी गाड़ियाँ नहीं चलती, इसलिए ये पराडो गाड़ी हम लेके यहाँ से निकलेंगे हिस्पर वैली तक। रास्ता भी खराब है ना काफी जगह पे, तो आगे देखेंगे आप। नहीं, इस्माइल ले रहा है। जब कोरोना वायरस पाकिस्तान में फैल गई थी, तोहर साहब की एक वीडियो फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर वायरल हुई थी। वीडियो में ये रो रहे थे, ज़ारो कतार से रो रहे थे। बिल्कुल। मैं इसलिए नहीं रोया था कि मुझे बुखार है, मैं मर रहा हूँ या मैं मर जाऊँगा। मैं इसलिए रोया था कि लोग इससे समझ के घरों में बैठे कोरोना से बचे। थोड़ी कुछ अदाकारी भी थी। बिल्कुल, जिंदगी को जिए आप। बहुत शुक्रिया। यहाँ से आगे यह रास्ता थोड़ा सा डेंजरस है, ऊपर से काफ़ी स्लाइडिंग भी होती है। यह खाई है तो हमें यहाँ से भाग भाग के क्रॉस करना पड़ता है, वरना किसी भी वक्त ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिर जाते हैं। ये मोहम्मद इसहाक हिस्पर विलेज के ये नंबरदार हैं। ये कितनी स्लाइडिंग यहाँ पे होती है? तकरीबन 24 घंटे यहीं पे ब्लॉक होता है सर, और हम खुद इसको साफ करके गाड़ी क्रॉस करते हैं। अच्छा, आवाम खुद ही साफ करते हैं? खुद ही साफ करते हैं। अब अंदाजा कीजिए कि कितनी जफाकश जिंदगी यहाँ लोग इस विलेज में गुजारते हैं। इस पर गांव तक चलने वाले जो ड्राइवर्स हैं, ये ड्राइवर भी हैं साथ साथ कुली भी हैं। जहां रास्ता ख़राब हो ये उतरते हैं, खुद से रास्ता साफ करके गाड़ी लेके जाते हैं। ऐसा है ना शुक्र साहब? बिल्कुल साहब। लेकिन आपकी हिम्मत है बड़ी। क्या कह रहे हैं सर, मजबूरी है ना। हाँ, इसके अलावा कोई सर्वाइवल नहीं है। तो बहरहाल बड़े हिम्मत वाले लोग हैं गाइस, मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे लोगों को। ये रास्ता इतना बोरिंग है और इतना ख़तरनाक है, सफ़र को जारी और सारी रखना काफ़ी मुश्किल है। तो इस सफ़र को कंप्लीट करने का एक ही ऑप्शन है हमारे पास, गाने सुनो। नामे
एक दो घंटे के बाद हम पहुंच गए इस पर वैली। असल जो आबादी है यहाँ से थोड़ा सा आगे 10 मिनट की ड्राइव है। ना प्यारा मेरी आंखों का है तारा, मेरा देश है जन्नत जैसा, मेरा देश है मेरा सहारा। हम आप लोगों का गेस्ट हाउस है, आप रहते हैं इधर। गोश्त भी इन्होंने काट के सुखाया है यहाँ। नसाल उस गर्मियों के मौसम में भी नसाल बनता है, इसके अलावा चांस ही नहीं है। तो आप भी आइए अगर नसाल का गोश्त खाना है तो। यहाँ पे आज हमारा जो स्पेशल टूर रहा ये इस्माइल भाई की वजह से पॉसिबल हुआ। इन्होंने मुझे बाकायदा इन्विटेशन दी थी यहाँ इस पर वैली के लिए। हम जितने भी दिन यहाँ पर रहेंगे इन्हीं के मेहमान होंगे। खाना खा के आए थे लेकिन यहाँ मेहमान नवाजी इतनी मशहूर है कि हमें दूसरी दफ़ा भी खाना खाना पड़ा। क्या मैं स्पेशली हमारे लिए खाना बना है? शुरू तो काफ़ी मटन यखनी इन्होंने बनाई है स्पेशली हमारे लिए, छोले बगैर तरीके। मटन यखनी है ना इस्माइल साहब? पहाड़ी बकरे का है। पहाड़ी बकरे के गोश्त का टेस्ट तो अलग ही लेवल का होता है ना, और समझो कि एक किस्म का मेडिसिन है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जो टेस्ट है लगता है कि ये सूखा गोश्त है। 3 दिन पुराना है और मजे की बात यह है कि यहाँ पे विदाउट फ्रिज भी गोश्त खराब नहीं होता। पहाड़ी बकरे को ज़िबा किया, वो जड़ी बूटियाँ और फूल खाते हैं, और हमने इसको बुनाई किया इसी की चर्बी में। भूनने के बाद फिर हमने पानी डाला इसके लेवल से और साल डाल के इसका टेस्ट को दुबाला कर दिया। वाकई टेस्ट भी ऑर्गेनिक है, बहुत नेचुरल टेस्ट है। Amazing guys, it's amazing taste. दरअसल बड़ा मजेदार है सर। अगर आप थोड़ा खाएंगे तो ये लोग आपको जबरदस्ती भी खिलाएंगे, तो ऐसा कुछ कल्चर है इस विलेज के अंदर। बिल्कुल, आज यहाँ खाना खा के हमें वाकई में लगा कि यहाँ की जो मेहमान नवाजी जो मिसाल है बहुत अच्छी है। जिस तरह का इन्होंने खाना बनाया था दैट्स अमेजिंग। अभी खाना भी खाया और थकावट भी साथ साथ बढ़ रही है, तो थोड़ा सा मैं रेस्ट करता हूँ आधा घंटे तक। अगले व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि यहाँ हमारे लिए बाकायदा से जो दावत रखी गई है और कौन सी डिश यहाँ पर बननी है, किस तरह के खाने हमारे लिए स्पेशली रात को बनेंगे इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमारा व्लॉग यहीं पर ख़त्म हो जाता है और आई होप कि आपने आज का इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो अगले व्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।